सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। और आपको पता है कि बिहार के जितने भी सारे बीएड के गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, ये सारे जगह एडमिशन लेने के लिए आपको बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से पास होना पड़ता है। मतलब बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करना होता है, और इसके बाद जैसा आपका नंबर होता है उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। और अगर आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जहाँ पे आपका पूरा कोर्स तकरीबन 30 से 40 हज़ार में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है 2 साल का, तो ऐसे कोर्स में ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होता है, बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो 2024 का होने वाला है, इसमें आपको आउट ऑफ 120 कम से कम आपको 100 के आसपास लाना है, यानी 100 के आसपास लाना है। और जो स्टूडेंट का 100 के आसपास होगा उनको क्या हो जाएगा, उनको की गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ऐसे में जरूरत क्या पड़ती है, इसके सिलेबस की पड़ती है, इसके स्ट्रेटजी की पड़ती है, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की पड़ती है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या सबसे बेस्ट तरीका है, ताकि आपको मैं बिहार के सबसे टॉप कॉलेज का अगर मैं बात करूं बीएड का, तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज जैसे आपको कॉलेज मिल सके जो कि पटना यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। और वहां से उस कॉलेज को पाने के लिए, यानी उस कॉलेज को या फिर उस कॉलेज के जैसा जितने भी सारे गवर्नमेंट टॉप कॉलेज है बिहार में, इनके लिए क्या स्ट्रेटजी सेट किया जाए अपना कि आउट ऑफ 120 में 100 के आसपास तो आराम से आ जाए, ये स्ट्रेटजी में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छे से एक्सपर्ट के स्ट्रेटजी को बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था, वैसे स्ट्रेटजी को मैं बताऊंगा, और इससे आपका 100% 100+ 100 के आसपास आएगा। क्योंकि कहा ही गया है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर इस चीज से पास हुआ है, अगर आप उसके एक्सपीरियंस को लेते तो वो बहुत ज्यादा बेटर है, यानी अगर आप किसी के एक्सपीरियंस को फॉलो करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू किसी टीचर के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आपको टीचिंग से अगर आप कोई टीचर सजेशन दे रहा है तो उसने वो चीजों को एनालिसिस किया है, वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट अगर कोई आपको एक्सपीरियंस्ड पर्सन बताया जो जो इसने टेस्ट को दिया है और जो जिसने टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो फिर वैसे सिचुएशन में ये जो एक्सपीरियंस है आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। तो आगे मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे आपका जो एडमिशन है वो पटना ट्रेनिंग कॉलेज जैसे टॉप कॉलेज में हो जाएगा अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो फिलहाल मैं बात करेंगे बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा इस बार 2024 में, जिसके लिए फॉर्म उम्मीद है कि फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है और जो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी फरवरी के आखिरी महीने तक इन्फॉर्मेशन जारी हो जाएगा कि कौन नोडल यूनिवर्सिटी बनेगा। हालांकि चर्चा में ये आ रहा है कि जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी जो छपरा की यूनिवर्सिटी है वो इस बार नोडल यूनिवर्सिटी बन सकती है। अभी ये कंफर्म नहीं, पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बनती थी, लेकिन इस बार ऐसा चर्चा चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में जैसे इसको लेकर के चीजें क्लियर होती है फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। फिलहाल मैं बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के, स्ट्रेटजी को लेकर के और तैयारियों को लेकर। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट, स्ट्रेटेजिकल अपडेट आपको मिल सके। तो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के सिलेबस का, और इसमें आपको सिलेबस का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो सिलेबस का पीडीएफ आपके लिए तैयार किया गया है। और इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंस को लेकर के, एक्सपीरियंस सॉरी, इसमें हम सबसे पहले आपको बताते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के, इसके बाद एक्सपीरियंस वाला बात आगे शेयर करेंगे। तो आपको पता है कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 120 नंबर का टेस्ट होता है, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कई सारे फैकल्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इसमें जानते हैं कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में दो चीजें ये ऑप्शनल में हो जाती है, एक तो कोई इंग्लिश लेता है या फिर कोई क्या लेता है, संस्कृत लेता है, संस्कृत लेता है शिक्षा शास्त्र के लिए, और अगर आपको नॉर्मल बीएड करना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश लेना होता है। तो आपके क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश से, आपके क्वेश्चन रहेंगे हिंदी से, आपके क्वेश्चन रहेंगे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से, मतलब रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा, तार्किक शक्ति परीक्षण रहेगा, इसके साथ आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस या इसको कह सकते हैं सोशल साइंस से क्वेश्चन रहेगा जिसमें कुछ करंट अफेयर और बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के पेपर्स रहेंगे। और इसके साथ टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल, मतलब कि टीचिंग लाइन, मतलब जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो स्कूल में कैसे किस तरीके से टीचिंग लर्निंग के जो इक्विपमेंट है कैसे उसको डिलीवर किया जाता है, मतलब टीचिंग लर्निंग का क्या स्किल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। क्योंकि ऑल ओवर आप जानते हैं बीएड कोर्स में होता क्या है, बीएड कोर्स में किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि टीचिंग जो लर्निंग जो तरीका है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचिंग के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कैसे बच्चों को सिखाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे बच्चों को समझाना है, यही सारी चीजें सिखाई जाती है। यानी एजुकेशन का जो वो हुनर है वो हुनर आपको दिया जाता है जिससे कि आप भी कल होकर के टीचर बने तो आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। अब बात कर लेते हैं आगे के बारे में कि ये तो आपने जान लिया, अब इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इसके नंबर को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि 120 नंबर का टेस्ट होगा, 2 घंटे के लिए टेस्ट होगा, और इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, यानी 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट को भी मैंने ऊपर में भी दिखाया था, वही सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं इसमें इसमें लिखे गए हैं।
जो सब्जेक्ट जो आपका टेस्ट होगा वो ऑफलाइन होता है, कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं होता है, बल्कि ओएमआर पे टेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका टेस्ट किस पे होगा? ओएमआर पे होगा। अब इंपॉर्टेंट आता है सिलेबस को लेकर के। तो मैंने आपको बताया अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट अगर इंग्लिश के बारे में बात की जाए कि इंग्लिश में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा इसके बारे में, तो इंग्लिश के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स में, इस पर आपको ध्यान रखना है। एडियम्स एंड फ्रेज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपको स्पेलिंग एरर पे ध्यान रखना है। स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड आगे बात करते हैं, संस्कृत वालों को छोड़ देते हैं हम लोग, इंग्लिश वालों के बारे में बात करें। हालांकि अगर कोई संस्कृत वाले होंगे तो ये पीडीएफ हमारे ऐप की ऑफ सक्सेस पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे संधि और समास से। इसके साथ आपसे पूछा जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय से। इसके साथ आपसे पूछा जाएगा रस छंद और अलंकार से। इसके साथ कुछ मुहावरे और कुछ लोकोक्तियां, कुछ कहावतें। इसके साथ कुछ अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द पे जो इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए वैसे। इसके साथ कुछ गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति होती है यानी फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कुछ व्याकरण से आपको रिलेटेड पूछे जाते हैं, एंड पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर बात करते हैं कि रीजनिंग वाला सेक्शन में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, हालांकि इसको ब्रेक डाउन भी करके आगे मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा कि 120 में कितना हिंदी कितना इंग्लिश, आगे ब्रेक डाउन करेंगे, पहले आगे समझ लेते हैं। अब अगर रीजनिंग के बारे में बात की जाए कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग में आपको पढ़ना है सैलोलिज्म, इसके साथ स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट वाला यानी जो कथन वाला जो क्वेश्चन था इस टाइप का, स्टेटमेंट और एजम्पशन से रिलेटेड, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, इसके बाद डेराइविंग कंक्लूजन से, एसर्शन रीजन से, इसके साथ पंच लाइन से, इसके साथ आपको काउज इफेक्ट एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपको पढ़ना है। सिचुएशन में कैसे आपको रिएक्शन करना है, तो सिचुएशन रिएक्शन के हिसाब से दिया जाता है, ये आपकी यहाँ हो गए। अब आ गए हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस करने का मतलब ये मेनली हो गया सोशल साइंस का पेपर है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हमारे होने चाहिए सोशल साइंस के इशूज से। इसमें आपका जनरल साइंस, इसके साथ 5 ईयर का प्लान, और इसके साथ साथ करेंट अफेयर भी आपको ध्यान रखना, और कुछ अदर मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। और इसके साथ अब आता है जो टीचिंग एंड लर्निंग जो एनवायरमेंट एप्टीट्यूड है, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्स इन अ स्कूल, यानी किसी भी स्कूल के लिए जो फिजिकल रिसोर्सेस है उसको मैनेज करने के लिए आना चाहिए, नीड्स एंड उसके इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टूडेंट से रिलेटेड इशूज, इसके साथ टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, इसके साथ मोटिवेशन, डिसिप्लिन और लीडरशिप क्या होता है, इसके साथ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या है, आइडियल टीचर क्या होते हैं, इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस क्या है, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को हैंडलिंग कैसे किया जाता है, क्लासरूम में कम्युनिकेशन के क्या स्किल होने चाहिए, सर्कुलर, इसके करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सच एज डिबेट, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज क्या होते हैं, इसके साथ ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे करना है इसके स्कूल में, इसके साथ टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, एंड इसके साथ जो फिजिकल एनवायरमेंट होते हैं जो एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव लर्निंग है, जिससे कि एजुकेशन में क्या होता है पॉजिटिव चीजों का ही पॉजिटिव चीजें होती है, यानी एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग क्या है, ये सारी चीजों से क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछी जाती है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि 120 का जो क्वेश्चन है जिसमें 120 नंबर का आपका टेस्ट होगा जो कि 2 घंटे के लिए टेस्ट होगा, इस टेस्ट में क्वेश्चन का जो पोर्शन है आपने जान गया कि हिंदी से होता है, आपने जाना कि इंग्लिश से होता है, आपने जाना क्या कि जीके से होता है, मतलब कि इसमें आप इस तरीके से रखें, आपने जाना कि सोशल साइंस से होता है, मतलब इसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं, आपने क्या जाना कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल से होता है, इसके साथ आपने क्या जाना कि टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड से भी आपको पूछा जाता है, यानी क्या टीचिंग करने के क्या एप्टीट्यूड होते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके साथ स्किल मतलब कि इसके साथ कह सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी को देखते हैं, पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलिए जो एग्जामिनेशन जो पैटर्न में क्वेश्चन कहाँ से कितने पूछे जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए हिंदी से, तो हिंदी से टोटल कितने पूछे आएंगे, 15 क्वेश्चन। इसके साथ अगर बात करें इंग्लिश के साथ, तो इंग्लिश से भी आपको कितने पूछे आएंगे, 15 क्वेश्चन। तो 15-15 यहाँ से अपने क्या हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए। इसके साथ अगर लॉजिकल रीजनिंग अगर इस पोर्शन के बारे में बात की जाए, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये रीजनिंग वाले सेक्शन से आपको पूछे आएंगे 25 क्वेश्चन, और ये जो सोशल साइंस या फिर कह सकते हैं जो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन है यहाँ से पूछे आएंगे 40 क्वेश्चन, और यहाँ जो टीचिंग वाला जो एप्टीट्यूड है इसमें आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के आप ऐड कीजिएगा तो 120 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको टाइमिंग भी क्या अलॉट किया जाएगा, 120 मिनट।
यानी पर क्वेश्चन 1 मिनट का आपको टाइमिंग अलॉट किया जाता है, और ये टेस्ट आपके ओएमआर पे होंगे, और इसी टेस्ट के बदौलत पे आप कितना नंबर 120 में लाते हैं इसके बेसिस पर बिहार के जितने भी सारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है ये आपको अलॉट किए जाएंगे। जरूरी क्या होता है किसी स्ट्रैटेजी के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चीज होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना। तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, मतलब कितने नंबर का टेस्ट है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा था, ये सब मैंने आपको बताया। दूसरा इसके बाद जस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। यानी एग्जाम पैटर्न के बाद सबसे पहला आपका ड्यूटी होता है कि आप अपने आप को जांच लीजिए कि क्या पीवाईक्यू जो आप पहले जो इसके क्वेश्चन पूछे गए वो आपके लेवल का है या आपके लेवल से हाई है, पहले ये चीज देखना होता है, यही पे गलती होता है। और एक्सपर्ट या टॉपर्स इसी चीज को ध्यान रखते हैं कि एग्जाम पैटर्न के बाद दूसरे स्टेप में वो तुरंत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट वो क्या करते हैं एग्जाम पैटर्न के बाद सिलेबस को देखते हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपको कुछ अलग करना है, कुछ आपको अच्छे स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज सबको नहीं मिल पाता है, लाखों अप्लाई में सीट कम होता है, और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज सबको चाहिए, तो कुछ आपको स्ट्रेटजी हट के करना होता है, कुछ एक्सपर्ट वाला, कुछ टॉपर्स वाला स्ट्रेटजी आपको करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या चीज पे ध्यान रखना होता है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ध्यान रखना होता है। तो जैसे आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, एग्जाम पैटर्न के बाद आपका ड्यूटी क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जल्दी से देखना। जैसे ये 8/4/2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम हुआ था, तो पहले आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, आपने देखा कि इंग्लिश में 15 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, आपने तुरंत इंग्लिश का क्वेश्चन निकाला, आपने देखा, आपने बनाने का ट्राई किया, द पंच मेड द बॉक्सर फिल इन द ब्लैंक्स विद पेन, आपने मान लेते हैं माइंड में तुरंत आपका जवाब आएगा कोई सही है गलत। तो इसके बाद सेकंड स्टेप में तुरंत आपको एग्जाम जो एग्जाम लिया गया है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसको एनालिसिस करना चाहिए, और आपको खुद से सिलेबस छांटना चाहिए। जैसे आप यहां से देखेगा क्वेश्चन और आप सिलेबस छांटिएगा, दिस इज भी आप सिलेबस छांट रहे हैं, जैसे आप सिलेबस छाट रहे हैं, आपको पता चला ये टेंस से ये रिलेटेड है, ये आपको पता चला कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो इस तरीके से आपको खुद का एक सिलेबस तुरंत क्वेश्चन को एनालिसिस करके बनाना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस खुद से करना, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। इसके बाद तीसरा स्टेप में क्या है, तब आप देखिए डिटेल सिलेबस, डिटेल सिलेबस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संधि पूछता है, समास पूछता है, इसको क्या कहते हैं डिटेल सिलेबस करते हैं। इसके बाद जो आपने एनालिसिस किया और एनालिसिस करके आपने पता लगाया कि वो हर साल 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछा, जैसे आपने एनालिसिस किया, तो इसके बाद आपका काम होता है शॉर्टलिस्ट करना, मतलब जो सिलेबस है उसमें से छांटना कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो ये आपको कब आपको पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, तभी आप कर सकते हैं कि सिलेबस में जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है उसमें ज्यादा आपको पकड़ बनाना है, और नहीं तो फिर जैसे दुनिया कर रहा है वैसे आप भी कीजिएगा, सिलेबस को पढ़िएगा, सिलेबस को कवर कीजिएगा, हो सकता है किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, किसी से कम पूछ ले, तो फिर आपका यहाँ पे एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 120 का बात रहेगा, फिर 60-70 में सिमट जाइएगा तो सरकारी कॉलेज मिलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाता है, तीसरे स्टेप पर सिलेबस को देखना। इसके बाद चौथे स्टेप में होता है जो आपने शॉर्टलिस्ट किया, मतलब आपने जो तैयार किया, अपना टारगेट सेट कीजिए चौथे स्टेप में कि आपको ये पढ़ना है, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, और उसका जो स्टडी कीजिए वो एकदम जीरो लेवल से कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एकदम जो क्वेश्चन है वो पूछे जाता है, जो चीजें डीपली में जो पढ़े होते हैं उनसे क्वेश्चन आराम से बनता है, जो अगर ऊपर ऊपर से पढ़िएगा तो नहीं क्वेश्चन बनेगा। ये कोई एमसीक्यू टाइप का या फिर कोई कह सकते हैं कि ये नॉर्मल टाइप में इसको टेस्ट का नहीं लीजिए, क्योंकि अगर एक एक नंबर भी अगर एक नंबर से भी पीछे जाइएगा तो सरकारी कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको पढ़ने के लिए आप अच्छे से स्टडी करें, डीप एनालिसिस करें, एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करें, इसके साथ बेसिक चीजों को पकड़े, बेसिक से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद पांचवा स्टेप में होता है फिर प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर क्या कीजिए, छठे स्टेप में मॉक टेस्ट दीजिए, मतलब जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सबको बनाइए एक टाइम के साथ, जैसे 120 मिनट का टाइम होता है तो आप इसको 100 मिनट के टाइम में ही कोशिश कीजिए कि सॉल्व करते। तो इस तरीके से अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, आप फॉलो करके देखिए आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो उम्मीद करते हैं जो स्ट्रेटजी है, जो एग्जाम पैटर्न थी, जो सिलेबस थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एंड आई थिंक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहा होगा, और ये आप इस अगर आप ये अपने माइंड से अगर आप इसे सोचे ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी आगे के टाइम में आने वाले टाइम में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करेंगे, और सारे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो कलेक्शन है, इसके लिए कहीं आपको बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं, ये सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये आपको हमारे अपने ऐप की ऑफ सक्सेस पे आपको मिल भी जाएगा। तो बस आप की ऑफ सक्सेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और प्रीवियस ईयर में जाकर के ये सारे क्वेश्चन पेपर को पूरे अभी तक जितने भी सारे बीएड के एग्जाम हुए हैं बिहार में, सारे बीएड के एग्जाम का कलेक्शन ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हमारे ऐप पर मिलता है, तो आप इसे जरूर एक्सेस करें। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, सो थैंक्स अ लॉट।